सब्सक्राइब कीजिए टेक जोन राघव चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू माय चैनल टेक जोन राघव। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी हमने दो वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप राइट साइड ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को आप देख सकते हो, जो कि वो इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो था। डियर, तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स और कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, हाउ टू ओपन एम एस एक्सेल। जैसा कि हमने इसके पीछे वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था अच्छे से कि एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हमने कमांड बताया था। कमांड हमारा क्या है था गाइज, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कीबोर्ड के विंडो की प्लस आर बटन को प्रेस करना है, उसके बाद आपको एक्सेल लिखना है, उसके बाद आपको ओके या इंटर बटन को प्रेस करके आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होता है, जो कि आपका ये स्प्रेडशीट फॉर्मेट होता है। चूँकि हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, राइट? यू कैन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्लीट एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट कहने का मतलब रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन, राइट? रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है स्प्रेडशीट का मतलब। अब आप देख सकते हो इसमें डिफॉल्ट तीन सीट्स मिला हुआ है, राइट? और चौथे सीट्स को लेने के लिए भी हमने कमांड बताया था, जो कि है शिफ्ट प्लस F11, राइट? और अगर आप शिफ्ट प्लस F11 नहीं करना चाहते हो तो कर्सर को आप सिंपली इस पे करोगे तो आप चौथा भी पांचवा भी सीट आप ले सकते हो, जितना भी आप मर्जी चाहो आप ले सकते हो। अब आते हैं हम यहाँ पर सीट का नेम, राइट? तो आपको सीट का नेम लिखने के लिए, चूंकि ये डिफॉल्ट नेम है सीट 1, अगर आप देना चाहते हो अपना नाम, खुद कोई कस्टमाइज नेम करना चाहते हो, तो आप राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, रीनेम बॉक्स पे जाना है, राइट? राइट क्लिक करके आप रीनेम बॉक्स पे जाओगे, ठीक है? उसके बाद आप अपना सीट का नेम कर सकते हो, राइट? तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्टूडेंट, अंडरस्कोर यूज़ कीजिए, क्योंकि गाइस अंडरस्कोर्स यूज़ करोगे तो ये बेहतर होगा, राइट? क्योंकि अब जब आगे का एडवांस एक्सेल आप सीखोगे तो आपको आप हैबिट्यूट हो जाओगे अंडरस्कोर्स लिखने के। स्टूडेंट्स डेटा, राइट? अब आपको यहाँ करके आपको क्या कर देना है, एंटर कर देना है, राइट? तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स डेटा का एक अलग से जो आपका कस्टमाइज नेम था वो आपने कर दिया। तो इस तरीके से आप अपने शीट को भी रीनेम कर सकते हो गाइस। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रोज, ओके, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रोज, तो कितने होते हैं एक सीट में, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं और उसे मैं कैसे पहचान सकता हूँ। तो हमने इसको लेकर के भी एक कमांड बताया था, जो कि हमारा कमांड क्या है, अगर वन नंबर सेल पे अगर मैं कर्सर को रख ले आता हूँ और वहाँ से अगर मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस डाउन एरो, राइट? अगर मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस डाउन एरो तो हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज शो हो जाता है आपकी स्क्रीन पे, कॉर्नर नीचे साइड आप देख सकते हो, 10,48,576 गाइज। इतना बड़ा डाटा आप इसमें फीड कर सकते हैं, एक्सेल ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर रख दिया है, ठीक है? अब आपको फिर से बैक टू वन सेल पे जाना है। अगर आपको वन सेल पे जाना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो करो, राइट? तो आप वहीं पे पहुंच गए। वैसे आपका बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको पता करना है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं एक्सेल के एक सीट पे, तो आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करना है। तो आप देखो यहां पर कॉर्नर पे आ गए, इसका मतलब काउंटेड है, ये आपका कैलकुलेटेड है कि 16,384 नंबर ऑफ कॉलम होते हैं गाइस। क्या कितने होते हैं, 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 आपके टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं। अब आपको फिर से बैक टू वन सेल्स पे जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए आपका फिर से हो। तो ये हमने दो चीज बताया कि आप फाइंड कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को किस तरीके से। तो कमांड भी है, कमांड को यूज करो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं होम टैब, राइट? इसके पहले वाले वीडियो में हमने फाइल टैब को डिस्कस किया था, राइट? तो फाइल टैब के बाद आता है होम टैब। तो होम मेनू बार में आपका होम टैब है, तो होम टैब में आप एक चीज देख सकते हो गाइस, जिसमें आपका ग्रुपिंग किया हुआ है, राइट? इसमें आपका ग्रुप वाइज करके आपका ऑप्शंस को अवेलेबल कराया गया है। तो आप देख सकते हो होम टैब में बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स दिया हुआ है एक्सेल ने, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप में है। कैसे ग्रुप में है, तो आप देख सकते हो क्लिप बोर्ड का अलग ग्रुप है, फॉन्ट का अलग ग्रुप है, अलाइनमेंट का अलग ग्रुप है, नंबर का अलग ग्रुप है, स्टाइल्स का अलग ग्रुप है, सेल्स का अलग ग्रुप है और एडिटिंग का अलग ग्रुप। ये अलग अलग ग्रुप वाइज है। ये आप किसी भी डेटा को किसी भी आप मेनू बार में सर्च करोगे तो आप सब जगह आपको यही मिलेगा। देखिए मैंने इंसर्ट पर अभी क्लिक किया तो इंसर्ट पर भी आपका वही चीज़ आ रहा है, राइट? जैसे आप देख सकते हो टेबल का अलग ग्रुप है, इलस्ट्रेशन का अलग ग्रुप है। तो हर मेनू बार के टैब्स में आपको ग्रुप वाइज फार्मूलाज, आपको पेजेस, आपको क्या मिलते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं। और इस पूरे ऑप्शन को जो मिलते हैं यहाँ पे सारे जो आपके ऑप्शंस अवेलेबल, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं गाइज रिबन, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, राइट?
तो गाइज अब मैं होम टैब के कुछ स्पेशल फीचर्स और उसके शॉर्टकट कमांड्स को मैं डिस्कस करता हूँ। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में कुछ डाटा तैयार किया था स्टूडेंट से रिलेटेड, चलिए मैं उसको मैं ओपन करता हूँ, जो कि मैंने डेस्कटॉप फाइल पे ही सेव किया था, राइट, जो कि बुक वन के नाम से। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो हमारा डेटा था स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, राइट, तो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड का डेटा था, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो आप। अब इसमें मैं कुछ चेंजेस लाता हूँ। तो सबसे पहले मैं होम टैब पे बात करता हूँ फॉन्ट टैग के बारे में, राइट। फॉन्ट टैग में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, किस ऑप्शन से आप क्या क्या चीज़ को आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो फॉन्ट टैग का फॉन्ट ऑप्शन के जरिए आप क्या हो सकता है, आप अपने जो भी कंटेंट है उसमें फॉन्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो, वही आप फॉन्ट तरीके से आप कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो भी फॉन्ट है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सेल वन, राइट, आप सेल वन पे क्लिक करो रोल नंबर को। अब आपको रोल नंबर के कलर को आपको चेंज करना है, ठीक है। अभी ये बाई डिफॉल्ट कलर कौन सा है, ये आपका ब्लैक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई आपको करना है रेड, ठीक है, तो आपको रेड करने के लिए क्या करना हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ऑप्शन है फॉन्ट टैब, फॉन्ट का ऑप्शन, राइट, फॉन्ट कलर का। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे मल्टी कलर आपको मिल जाएंगे, आप जिस भी कलर पे आप क्लिक करोगे आपका वो फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा, राइट। मैं करता हूँ रेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट कलर को आप कर सकते हो। अब आप पूरे के पूरे डेटा को ही आप कलर रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना है, पूरे के पूरे डेटा को आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है और इस पर आपको क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हो पूरा डाटा ही आपका रिकॉर्ड हो गया। अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये बैकग्राउंड कलर, राइट, इसका मतलब सेल का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होगा, तो फील कलर का ऑप्शन आता है। तो आप इसके ठीक लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन में आपको देखो यहाँ पर फील कलर का ऑप्शन मिल रहा है, राइट, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। सपोज कीजिए मैं लेता हूं येलो कलर, तो येलो कलर पे आप क्लिक करोगे तो आप देखो यहां पर येलो कलर का फील हो चुका है पूरे डेटा में, राइट, मतलब कि सेल नंबर वन के डेटा में। तो इस तरीके से आप कलर को कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप कलर करना चाहो, राइट। अब गाइज आपको मैं बताता हूँ रेंज ऑफ सेल, रेंज ऑफ सेल क्या होता है। तो रेंज ऑफ सेल सिंपली मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आप किसी भी कर्सर को किसी भी सेल्स पे आप ले जाओ और वहां से आप सिंपल इतना रेंज कर लो, ठीक है। तो आप ड्रैग जो आपने किया तो आप देख सकते हो ये कॉलम हेडर और रो हेडर, ये जो येलो पार्ट आप दिख रहा है ये आपका क्या मेंशन कर रहा है, क्या किस वजह से ये हाईलाइट हुआ, ये आपको शो कर रहा है कि आपने जो कर्सर को जो ड्रैग किया है माउस से वो आपका कितना सेल्स आपका एक्टिव हुआ। तो आप नंबर ऑफ सेल्स को इसने क्या किया है, रेंज किया, यानी कि इस सेल से लेकर के इस सेल तक का सेल आपका रेंज हो चुका है। तो ये पहचानने का तरीका क्या है, तो इसमें आप देख सकते हो एच कॉलम के टू नंबर रो, यानी कि एच टू कॉलम से आपका एच टू सेल से आपका कहाँ तक आ गया, तो के कॉलम के 10 आप पहचान सकते हो एंडिंग तक। तो आपका लिखने का तरीका क्या है, तो एच टू से लेकर के के 11, तो एच टू लिखने का तरीका सिंपल क्या है, एच टू लिख दो, उसके बाद आपको कैल कॉलम दे दो और के 11, राइट, तो के 11। तो ये आपका तरीका क्या हो जाता है, आपका ये तरीका हो जाता है सेल को रेंज करने का, गाइस समझ गए। तो आप सेल को रेंज करने का सिंपली समझ लीजिए कि आप ड्रैग करते हैं माउस को तो ये रेंज ऑफ सेल्स होता है। आप किसी भी तरीके से आप अपने हिसाब से, अब मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब मैं सिंपल बता रहा हूँ कि इस रोल नंबर से लेकर के मैं यहाँ तक इस पार्ट तक मैंने सेल को एक्टिव कर लिया, तो ये हमारा सेल रेंज हो गया, हमने इस डेटा को रेंज कर लिया। तो इस तरीके से आप रेंज डेटा, रेंज सेल को भी आप समझ सकते हैं। अब आते हैं गाइस बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है आप अपने डेटा में, आपने जो ये डेटा तैयार किया है तो इस डेटा में आप कैसे आप अपने बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक इस ऑप्शन के बगल में आपको बॉटम बॉर्डर का भी ऑप्शन मिलता है, राइट, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो बॉटम बॉर्डर, ठीक है। इसमें क्या है, आप अपने डेटा को जो भी आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका दिखा हुआ है अप्लाई बॉर्डर्स टू द करेंटली सेलेक्टेड सेल्स, आप जितने भी सेल्स को करेंटली आप सेलेक्ट करके रखोगे उसको आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने पहले से इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया, राइट, अब इसको मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो इस पर इस कर्सर को इस पॉइंट पर ले जाना है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप बॉटम बॉर्डर करोगे तो ये सेल्स आपका क्या हो जाएगा, ये बॉटम लाइन से आपका बॉर्डर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ तक आपका करके बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर से करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई पूरा हमारा डेटा ही बॉर्डर हो जाए तो इसके लिए आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना हो, तो इसके लिए ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेल एक बॉर्डर हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या है, डेटा जो आपका है, एक टेबल आपका है जो खूबसूरत दिखता है, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं बॉर्डर देने के लिए भी, आप राइट बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, टॉप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, लेफ्ट बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, अगर आप बॉर्डर नहीं देना चाहो तो बॉर्डर। तो इस तरीके से आप देख करके आप समझ सकते हो कि बॉर्डर के इतने सारे फीचर्स भी आपको अवेलेबल कराया गया है MS Excel में।
फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके ठीक बगल वाले यानी लेफ्ट साइड, आप देख सकते हो बी आई यू का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो ये बी आई यू क्या है डियर, तो ये बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक एंड यू फॉर अंडरलाइन। इस तरीके से आप इन तीनों ऑप्शन से आप अपने फॉन्ट को बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो और अंडरलाइन भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है रोल नंबर वन को, राइट, यहाँ पर एक्टिव कर लिया है रोल नंबर वन। अब इसको मुझे बोल्ड करना है तो आप इस पर क्लिक कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो ये जो आपका फॉन्ट है ये आपका इसका स्टाइल थोड़ा बोल्ड हो गया। अब आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा बेंड हो जाए और इटैलिक फॉर्म में आ जाए, तो इटैलिक फॉर्म में आप जब क्लिक करोगे तो ये आपका थोड़ा सा आपका इटैलिक फॉर्म में आ गया। अब अंडरलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका अंडरलाइन आ जाएगा रोल नंबर के नीचे, राइट। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल सेल्स को भी आप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं पूरा का पूरा सेल्स आपका होना चाहिए ये आपका बोल्ड, राइट, तो पूरा सेल्स में आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप ड्रैग करके आप बोल्ड करो तो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने डेटा को बोल्ड कर सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पर कर लिया है, राइट फ्रेंड्स। बट यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अंडरलाइन में एक स्क्रॉल पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है आप देख सकते हो, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख लो यहाँ पर एक अंडरलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, एक डबल अंडरलाइन का ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब है कि आप एक अंडरलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके फॉन्ट के नीचे एक अंडरलाइन आया, जैसा कि मैंने एक नंबर यानी कि A2 सेल्स को एक्टिव किया और आप देख सकते हो इस जगह पे 1 के नीचे सिंगल अंडरलाइन। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं पूरे रोल नंबर के नीचे मुझे डबल अंडरलाइन करना है, तो रोल नंबर को पहले आप एक्टिव कर लो, उसके बाद इस जगह पर आकर के डबल अंडरलाइन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका रोल नंबर के नीचे डबल अंडरलाइन हो गया है। तो इसका मतलब यही होता है सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। अब गाइज आप देख सकते हो इसके ऊपर एक कैलिब्री का ऑप्शन आपको मिल रहा है और इसके बगल में आपको 11 मिल रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आपका स्टाइल है और इसका साइज है। आप इस पर क्लिक करोगे, बहुत सारे एक्सेल में आपका ये फॉर्मेट दे रखा है, इसका आपके बहुत सारे स्टाइल्स आपके अवेलेबल है, ठीक है। आप जो भी स्टाइल्स आप चूज करना चाहो, आप वो स्टाइल को चूज करना चाहते हो, सपोज कीजिए मैं रोल नंबर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं रोल नंबर के फॉन्ट स्टाइल को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो आप इस फॉन्ट के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए एरियल ब्लैक कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एरियल ब्लैक फॉर्म में आपका ये रोल नंबर शो हो रहा है, राइट। अब इसमें चाहता हूँ कि नहीं इसके साइज को मैं छोटा करना चाहता हूँ क्योंकि सेल के हिसाब से ये काफ़ी बोल्ड लग रहा है, राइट। तो इसको आप चेंज कर भी कर सकते हो, ठीक है। चेंज करने के लिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपका 8 से 72 तक का आपका ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं 72 कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो फॉर्म आ गया है कुछ इस तरीके का, बहुत ही अजीब टाइप का फॉर्म दिख रहा है, तो इसको आपको 72 नहीं करना है गाइस, आपको इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, राइट। आपको 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है, जिस हिसाब से आप 9-10 कर सकते हो। तो ये साइज है आपका, ये साइज आप चेंज कर सकते हो और आपका स्टाइल चेंज कर सकते हो, राइट। अब आता हूं मैं इसके ठीक बगल में, आप देख सकते हो ये ए का और ये स्मॉल ए का मतलब क्या है, तो आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसी को एग्जांपल्स में समझा रहा हूं, आप देख सकते हो अगर मैं इस पे ले आ रहा हूं कर्सर तो आपको क्या है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, आपके फॉन्ट साइज़ को ये इंक्रीज बढ़ाएगा। तो आप इस पर जैसे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपका ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये बढ़ता जा रहा है और ये है आपका डिक्रीज, राइट। अगर आप इस पर क्लिक करते जाओगे तो ये आपका एडजस्ट होगा, घटता जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट आपका ये फॉन्ट का आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, साइज भी चेंज कर सकते हो, और साइज चेंज करने का 2 मेथड है। आप यहाँ पर जाकर के कस्टम तरीके से आप इसको आप चूज कर सकते हो अपने नंबर को, और उसके बगल में आप चाहते हो कि नहीं अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट करना है तो आप इधर इंक्रीज फॉन्ट को और डिक्रीज फॉन्ट के ऑप्शन से आप ये दोनों कर सकते हो गाइज। तो आई होप गाइज ये आज के MS Excel के फॉन्ट ग्रुप का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये एक वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करिए, और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।